स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आप सभी को इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि टेंसेट का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो रिलीज़ हुई, आपको कहाँ पे जा करके वो चेक करनी है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कैसे करनी है, कहाँ पे जा करके करनी होती है, ये सभी की प्रोसेस को आप इस वीडियो में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो मेक श्योर कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो मैंने ये चैनल बनाया ना, एक स्पेशल चैनल बनाया है टेंसेट के रिलेटेड, जिसका नाम है इंडियन एडवांस स्टडी। सो स्टार्ट करते हैं कि क्या करना होता है आपको। सबसे पहले आप अपने ब्राउजर से google.com ओपन करेंगे, वहाँ पर आप टाइप करेंगे टेंसेट 2022 IAS पेपर एंड गूगल सर्च करेंगे। सो गूगल सर्च करते ही फर्स्ट वाला जो लिंक आप देख रहे हैं, इस लिंक पे क्लिक कर देंगे। सो जब ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपको टेंसेट 2022 का रजिस्ट्रेशन जो है फॉर्म वो स्टार्ट कर दी गई। यहाँ पर लिखा हुआ है पहले से स्टार्टेड, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन स्टार्टेड ऑन 30th March 2022, एग्जामिनेशन विल हेल्ड ऑन 14th and 15th May, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैज़ बीन रिलीज नाउ। ओके, सो आपको बताने जा रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दी गई है, बट आपको कहाँ पे जाकर के करनी होती है। ओके, लेकिन ये आपके सामने एक फॉर्म आ जाता है जिस फॉर्म को आपको फिल करना होता है। इस फॉर्म में क्या फिल करना होता है, अपना नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, स्टेट बतानी होती है, सिटी बतानी है कौन से सिटी से, कौन से कोर्स में आपको इंटरेस्ट है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कौन सी है, फिर आपको गेट फ्री काउंसलर पे क्लिक करनी होती है, जिससे आपको ये होता है कि आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी जो होती है बेस्ट सजेशन कॉलेजेस आपको यहाँ पर करती है, ताकि आप जो भी आप चाहें उसमें से ले सकें बेस्ट सजेशन से। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे कि टेंसेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो यहाँ पर आपको दिखाई देता है, एग्जामिनेशन डेट्स हैज़ बिन अनाउंस, ये भी सभी देख सकते हैं, बट आपको यहाँ पर क्या देखना है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दी गई है। तो क्लिक करेंगे तो डिटेल के लिए आप यहाँ पर ओपन हो जाएंगे, अप्लीकेशन फॉर्म रिलीज, कॉमन इंटरेस्ट विच इज शॉर्ट फॉर टेंसेट कंडक्टेड बाय द अना, तो आपको दिखाई देता है अप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हैज़ बिन रिलीज ऑन 30th March 2022, क्लिक हियर टू अप्लाई हियर ऑनलाइन मोड से। ठीक है, अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करने पड़ेगा। बट आगे बढ़ने से पहले गुड न्यूज़ देना चाहूँगा आप सभी को कि देश के टॉप 9th यूनिवर्सिटी में फुल फ्लो में एडमिशन शुरू हुई है। इन सभी यूनिवर्सिटी में फुल फ्लो में एडमिशन शुरू हुई है। आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं, मणिपुर यूनिवर्सिटी, UPES यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, KL यूनिवर्सिटी, NIMS यूनिवर्सिटी, और आपको कौन सी यूनिवर्सिटी दिखाई दे रही है यहाँ पर, DIT यूनिवर्सिटी, पारुल यूनिवर्सिटी एंड लास्ट VIT EEE। ओके, आपने इन सभी का नाम कहीं ना कहीं सुना ही होगा, बट ये क्या टॉपेस्ट यूनिवर्सिटी, इंडिया के टॉप 9th यूनिवर्सिटी है, आपको यहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि आपको जो यहाँ पर है ना 100% प्लेसमेंट मिलने वाली है, क्वालिटी एजुकेशन मिलने वाली है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग मिलने वाली है, प्रैक्टिकल लर्निंग मिलने वाली है, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलने वाला है। ओके, इन सभी यूनिवर्सिटी में क्या होता है, सपोज दैट सिर्फ आसपास के बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए नहीं आता, हमारे देश के सभी बच्चे पढ़ने के लिए यहाँ पर आते हैं, काफ़ी दूर दूर के बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं, जो फॉरेन कंट्री के बच्चे होते हैं वो भी पढ़ाई करने के लिए आते हैं, लड़की लड़कियाँ यहाँ फॉरेन कंट्री से यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आते हैं। तो जब भी आप लड़की या लड़कों के साथ आप घूमते फिरते हैं, बातें करते हैं, खेलते रहते हैं, साथ में घूमते फिरते हैं, तो क्या होता है कि आपका कल्चर एक्सचेंज होता है, आपका माइंडसेट एक्सचेंज होता है, आपका नॉलेज एक्सचेंज होता है, आपका लैंग्वेज एक्सचेंज होता है, आपका टैलेंट एक्सचेंज होता है, जो बहुत अच्छी बात है आप सभी के लिए। अगर मैं आपकी जगह होता जरूर एडमिशन ले लेता इनमें से किसी ने किसी एक यूनिवर्सिटी में। सो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इनमें से जरूर किसी न किसी एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिएगा, सिंपली आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करके एडमिशन लेना होता। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आपका टेंसेट का एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना होता है, आपको क्लिक हियर पे क्लिक करना है अप्लाई करने के लिए। तो जब भी आप क्लिक करते हैं अप्लाई करने के लिए, तो आप यहाँ पर ओपन होंगे टेंसेट तमिलनाडु कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको ईमेल आईडी एंड पासवर्ड यहाँ पर टाइप करनी होती है, तो ईमेल आईडी यहाँ पर टाइप करेंगे एंड पासवर्ड यहाँ पर टाइप करेंगे, एंड देन आपको लॉगिन करना होता है। तो जब भी आप लॉगिन करेंगे तो आप क्या कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, अब एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, तो रजिस्टर करने के लिए आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, आपका रोल नंबर, कम्युनिटी बतानी होती है, नेटिविटी बतानी है, कौन सी नेटिविटी है आपके यहाँ पर, तमिलनाडु या, अब यहाँ पर चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन बताएंगे MCA, MBA, विच, एंड यहाँ पर आप देखेंगे कैप्चा 17512, आप यहाँ पर टाइप करेंगे एंड सबमिट करेंगे। सो मैंने यहाँ पर लॉगिन किया था, मेरे को यहाँ पर आ गया क्रेडेंशियल क्रिएटेड, प्लीज़ लॉग इन यूजिंग लॉग इन बटन। सो लॉग इन बटन पर आते हैं,
यहाँ पर ईमेल आईडी पासवर्ड टाइप करनी है, लॉगिन करनी है। तो लॉगिन करते ही आप यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। पर्सनल डिटेल्स में यहाँ पर अपना जेंडर बताएंगे, एड्रेस, नेशनलिटी, सिटी, स्टेटस सॉरी स्टेट, पिन कोड नंबर एंड नेक्स्ट। एंड आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको नेक्स्ट के बाद एजुकेशन डिटेल देनी होती है, जहाँ पर आप टेंथ के देंगे, पासिंग ईयर 2010 फॉर एग्जांपल। हायर सेकेंडरी का आप बताएंगे यहाँ पर रोल नंबर जो भी रहेगा आपका, ईयर ऑफ पासिंग बताएंगे विच इज़ ईयर, क्वालिफिकेशन क्वालिफाइंग डिग्री यहाँ पर होता है जो आप बता सकते हैं यहाँ पर, बीटेक कॉमन जो भी रहेगा आपका, स्पेशलाइजेशन का आपने ओके, और ईयर ऑफ पासिंग क्वालिफाइंग डिग्री ओके, तो आप यहाँ पर बताएंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। एंड आप यहाँ पर देखेंगे सेंटर, तो आप सेंटर के लिए यहाँ पर चेन्नई जो भी आपका रहेगा चूज़ कर सकते हैं। सेवन कंटिन्यू करें, अपना फ़ोटो यहाँ पर क्लिक करके अपलोड करें। आपका फ़ोटो ऐसा 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 कुछ नहीं रहना चाहिए, दिस इज़ रॉन्ग वे। आपको यहाँ पर फ़ोटो एकदम नॉर्मल पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो चाहिए ओके, लाइक अगर लाइक ऐसा, अपलोड सक्सेसफुल राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज़ योर सिग्नेचर, वो अपलोड योर सिग्नेचर ओके, तो दिस इज वन राइट ओनली ब्लैक ओके, दिस इज वन राइट ओके। सो यहाँ पर चूज़ करना है एंड अपलोड करना, एंड आप यह देख सकते हैं मेरा सक्सेसफुली हो गया सिग्नेचर। एंड नेक्स्ट ऑल डिटेल्स माई कम्प्लीटेड ऑलरेडी ओके, ऑल डिटेल्स कम्प्लीटेड। एंड लास्ट इज योर कंफर्म डिटेल ओके, तो सबमिट एंड ओके। सो पेमेंट सेक्शन, दिस इज योर पेमेंट सेक्शन फॉर योर एग्जामिनेशन फीस 100, योर एग्जामिनेशन फी 800, मेक पेमेंट एंड यू कैन पे दिस मेथड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वीज़ा, मास्टर, एनीथिंग, एंड यू कैन यूज़ ऑल्सो नेट बैंकिंग ओके फॉर पेमेंट। सो अगर आपको डाउट हो रहा है तो डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको चाहिए तो आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।